हमारे पास जो इजहार के हैं पैमाने, हमारे पास जो इजहार के हैं पैमाने, हमें गधा में दरे मुर्तजा से मिलते हैं। हमारे पास जो इजहार के हैं पैमाने, हमें गदा में दरे मुर्तजा से मिलते हैं। और बयां में जो हैं ये सोजो गुदाज के मोती, बयां में जो हैं ये सोजो गुदाज के मोती, हमें नियाज में फर्शे अज़ा से मिलते हैं। चार में से देखिए कि उसूल दीन के जब सब समझ में आएंगे, उसूल दीन के जब सब समझ में आएंगे, हुसैन इब्ने अली तब समझ में आएंगे। उसूल दीन के जब सब समझ में आएंगे, हुसैन इब्ने अली तब समझ में आएंगे। और समझ में आएगा दीन खुदा का मकसद भी, समझ में आएगा दीन खुदा का मकसद भी, हुसैन इब्ने अली जब समझ में आएंगे। दुरूद पढ़ लीजिए। चार मिसरे कि कभी ये अपने तकाजे बदल के आता है, काबिले तवज्जो, कभी ये अपने तकाजे बदल के आता है और कभी ये अपनी ज़रूरत बदल के आता है, कभी ये अपने तकाजे बदल के आता है और कभी ये अपनी ज़रूरत बदल के आता है। और यजीद असल में किरदार एक है ऐसा, यजीद असल में किरदार एक है ऐसा जो हर ज़माने में सूरत बदल के आता है। कभी ये अपने तकाजे बदल के आता है और कभी ये अपनी ज़रूरत बदल के आता है। और यजीद असल में किरदार है, किरदार एक है ऐसा जो हर ज़माने में सूरत बदल के आता है। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। अच्छा मोमिनीन अकराम, पिछले साल मुझे ये तौफीक हासिल हुई कि मैंने अमीरुल मोमिनीन के 110 कलमात जो उनके नाम के अदाद की नस्बत से उनका मंजूम तर्जमा किया है और किताबी शक्ल में आ गया है और अपनी नोयत का वो एक वाइज तर्जमा था। अब मुझे मज़ीद ये तौफीक हासिल हुई है कि इमाम आली मकाम के जो मारूफ खुतबात, जो ख़ास ख़ास खुतबात और उनके 50 जो कलमात हैं उनका मंजूम तर्जमा किया है और ये उर्दू ज़ुबान में अपनी नोयत का वाहिद तर्जमा होगा इंशाल्लाह। आपसे और मैं चाहूँगा कि आज यहाँ इस मुलासमत से उनके एक इमाम के एक खुतबे का मंजूम तर्जमा, आज़ाद मंजूम तर्जमा आपकी खिदमतों में पेश करूँ। ये खुतबा आपने अपनी शहादत से 3 साल कबल हज के अय्याम में मीना के मकाम पर दी और इसमें जो वहाँ बड़े बड़े सहाबा भी तशरीफ़ फरमा थे और ताबईन भी तशरीफ़ फरमा थे, तो आपने उनके सामने जो है ना ये खुतबा दिया, बहुत अहम खुतबा है। और इस खुतबे को क़याम करबला का एजेंडा करार दिया गया है, यानी इतना अहम है। और इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपने लोगों को अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल याद कराए, फिर उसका दूसरा ऐसा उसमें तकवा, उस पर गुफ्तगू की, और तीसरा जो है वो उलमा के हवाले से, यानी उलमा की क्या ज़िम्मेदारी है। तीनों अपनी जगह अहमियत के हामिल है। तो आज मैं आपके सामने सिर्फ उसका जो पहला हिस्सा उसका मंजूम तर्जमा पेश करूँगा जिसमें आपने लोगों से अमीरुल मोमिनीन की फजीलत के हवाले से उनसे पूछा, कसम दे के अल्लाह की कसम है आप बताएं कि ऐसा नहीं था, तो सब जवाब देते थे हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसका तर्जमा मदाद फरमाइए कि खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें खबर नहीं जब दरमियाँ सहाबा के नबी ने रिश्ता अखुवत का उस्तवार किया, तुम्हें खबर नहीं जब दरमियाँ सहाबा के
नबी ने रिश्ता अख़ुव्वत का उस्तवार किया, जुदा हर एक से दुनिया व आखरत में फिर अली को अपना नबी ने अखी शुमार किया। फिर उसके बाद कि खुदा की दे की कसम तुमसे पूछता हूँ, मैं खुदा की दे की कसम तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें खबर नहीं वो किसके घर का दर था जो, तुम्हें खबर नहीं वो किसके घर का दर था जो खुदा के हुक्म से मस्जिद की समत खुलता था। मस्जिद से मुराद मस्जिद नबी। तुम्हें खबर नहीं वो किसके घर का दर था जो खुदा के हुक्म से मस्जिद की समत खुलता था। तुम्हें नहीं है खबर किसको फिर इजाज़त थी बजुज अली के वो मस्जिद में शब बसर करता। फिर खुदा की दे की कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, खुदा की दे की कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, तुम्हें खबर नहीं रोज़े गदीर अली का जब, तुम्हें खबर नहीं रोज़े गदीर अली का जब नबी ने हाथ किया था बुलंद मिंबर पर। तुम्हें खबर नहीं रोज़े गदीर अली का जब नबी ने हाथ किया था बुलंद मिंबर पर, और उसके बाद नबी ने कहा था ये सबसे, और उसके बाद नबी ने कहा था ये सबसे, जिसे नहीं है खबर इसकी दो उसे भी खबर। यानी हज़ारों का मजमा, और आपने फरमाया कि जिनको नहीं पता उनको भी बता दें। फिर खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, तुम्हें खबर नहीं जब गजवाए तबूक हुआ, तुम्हें खबर नहीं जब गजवाए तबूक हुआ, कहा नबी ने कि मैं और हैं अली ऐसे। तुम्हें खबर नहीं जब गजवाए तबूक हुआ, कहा नबी ने कि मैं और हैं अली ऐसे, कि जैसे मूसा और हारून और मेरे बाद अली वली हैं जहां में हर एक मोमिन के। और खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, तुम्हें खबर नहीं इसकी कि एक मैदा जब मुबाहले का सजा था नबी की दावत पर, वो कौन थे जिन्हें लाए थे अपने साथ नबी। अली थे, उनकी थी हमसर और उनके लखते जिगर। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये उनका खुतबा, सारे उलमा के खुतबात एक तरफ, इसकी अहमियत अपनी जगह। तो खुदा की दे की कसम तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें खबर नहीं खैबर में जब नबी ने कहा, तुम्हें खबर नहीं खैबर में जब नबी ने कहा मैं उसके हाथ में कल दूंगा फतह का परचम। तुम्हें खबर नहीं खैबर में जब नबी ने कहा मैं उसके हाथ में कल दूंगा फतह का परचम, वो जो खुदा को खुदा जिसको दोस्त रखता है, वो जो खुदा को खुदा जिसको दोस्त रखता है, तो फिर अली नहीं खैबर में जाके गाड़ा आलम। और खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, तुम्हें खबर नहीं जब सूरह बरात को अली के हाथ में देकर नबी ने फरमाया मेरे प्याम को ले जाएगा ना और कोई मगर खुदा मैं, या फिर वो मुझसे जो होगा, इसके अलावा और इस प्याम को नहीं ले। खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, तुम्हें खबर नहीं मुश्किल में जब भी होते नबी अली ही मोतमेद ख़ास एक ऐसे थे, जो पेश आमदा मुश्किल के ऐसे लम्हों में नबी पाक के फिर पेश पेश रहते थे। ये सब फजाइल लोगों को याद करवा रहे हैं। और खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, तुम्हें खबर नहीं जिस तर्ज महरमाना में नबी अली से शुरुआत गुफ्तगू करते, अली को नाम से उनके पुकारने के बजुज नबी फिर उनको ऐ मेरे अखी पुकारते थे। और खुदा की दे के कसम, चांदे के रह गए हैं, खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, तुम्हें खबर नहीं जैदो अली और जाफर में नबी ने फैसला देते हुए अली से कहा अली तुम मुझसे है मैं तुझसे और बाद मेरे तुम मोमनों का वली और सरपरस्त हुआ। और खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, तुम्हें खबर नहीं हर रोज़ शब अकेले में अली नबी से मुलाकात जब किया करते, अली सवाल जो करते जवाब देते नबी, अली जो करते सकूत आप इब्तिदा करते।
और खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, तुम्हें खबर नहीं दुख्तर से जब नबी ने कहा तुम्हारा हाथ दिया उसके हाथ में बेटी जो ख़ानदान में अफजल है, यूं पैगंबर ने अली को जाफर और हमजा पे एक फजीलत दी। और खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, तुम्हें खबर नहीं है सैयदुल बशर है नबी, अली है शाह अरब और फातह खैबर, जो फातिमा है वो खातून बाग जन्नत हैं और शबाब अहले जना है अली के दोनों पिसर। और आखिरी के खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, तुम्हें खबर नहीं किया इसकी भी नबी ने जब अली को हुक्म दिया गुस्ल वो उन्हें देंगे, और इसके साथ जो रूहुल अमी है जिब्राइल अली का हाथ वो साथ इसके वो बटाएंगे। और खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, तुम्हें खबर नहीं तुम में किताब व इतरत का, नबी ने छोड़ा गिरा कदर एक खजीना जब, तो एक वादा लिया था नबी ने तुम सब से, किसी भी हाल में इनको न छोड़ना तुम सब। और आखिरी खुदा की दे के कसम तुमसे पूछता हूँ मैं, तुम्हें खबर नहीं है कि नबी ने फरमाया कोई भी दावा करे मुझसे जो मोहब्बत का, अगर है बुग्ज़ अली उसके दिल में है झूठा, कभी भी मुझसे मोहब्बत वो कर नहीं सकता, अली के बुग्ज़ से जिसका भी दिल अगर है भरा, सबब है ये कि अली मुझसे मैं अली से हुआ, अली से जिसको मोहब्बत की अली से जिसने मोहब्बत की गोया मुझसे की, हुई है मुझसे मोहब्बत जो वो खुदा से हुई, अली का जो भी है दुश्मन वो मेरा दुश्मन है, जो मेरा कोई है दुश्मन खुदा का दुश्मन है। आखिरी और आखिरी चंद शेर आपके मिजाज को देते हुए दुरूद पढ़ लीजिए। खुद आप अपने भटकने का एहतमाम न कर, खुद आप अपने भटकने का एहतमाम न कर, भटक रहा है जो खुद भी खुद आप अपने भटकने का एहतमाम न हो, खुद आप अपने भटकने का एहतमाम न हो, भटक रहा है जो खुद भी तेरा इमाम न हो। और वो ज़िंदगी जो फ़कत एक बार मिलती है, वो ज़िंदगी जो फ़कत एक बार मिलती है, अली के बुग्ज़ में वो ज़िंदगी हराम न हो, वो ज़िंदगी जो फ़कत एक बार मिलती है, अली के बुग्ज़ में वो ज़िंदगी हराम न हो। और शेर देखिए, दरूद पाक में आले नबी भी शामिल है, दरूद पाक में आले नबी भी शामिल है, फ़कत रसूल पे पढ़कर ही ये तमाम न हो, दरूद पाक में आले नबी भी शामिल है, फ़कत रसूल पे पढ़कर ही ये तमाम न हो। और सलामती की दुआ सिर्फ मोमिनों के लिए, सलामती की दुआ सिर्फ मोमिनों के लिए, अली से बुग्ज़ जो रखे उसे सलाम न हो।